अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है, इंतज़ार ख़त्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे। काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए, गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था, और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी रीमेक के लिए एक्साइट हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी रीमेक के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है। जो लोग को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रहे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीज़न से मनी रॉय की पॉपुलैरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी चॉइस बनी हुई है। और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी में कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी, जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का, और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल एचडी वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो, प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के लिए ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कन कन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी के चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे, और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास लेके आते थे, और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया, क्योंकि दोस्तों बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना, जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया, और इसके रीज़न से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की आईएमडीबी रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था, और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, और
इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जनर की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूँ इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल एचडी प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर मूवी को एंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अब इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे है और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे, पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग्स फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गोल्ड मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं और गोल्ड मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल्ड मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर
तो दोस्तों हैशटैग फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए, और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई, जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ, जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज़ आप सभी को पसंद है। मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय, अक्षय कुमार, सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फ़ैन के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार फ़ैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है इंतज़ार ख़त्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे। काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था, और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइट हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है। जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रहे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीज़न से मनी रॉय की पॉपुलरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी चॉइस बनी हुई है, और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी में कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी, जिसके प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली पसंद करती हो, तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का, और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल एचडी वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो, प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कनकन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी की चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे, और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर
रिलीज़ के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि तो बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना, जिसके रीज़न से उतना हीट नहीं गया और इसके रीज़न से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हीट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकती हो, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जनर की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी 80 रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिटिंग चले जाना और मूवी और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतने ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इन्जॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर मूवी को इंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे है और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे, पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग में से कनकन इस तरह के मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और
डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गोल्ड मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे और गोल्ड मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल्ड मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था, इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए। तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों हैशटैग फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई, जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल्ड मूवीज आप सभी को पसंद है। मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है इंतज़ार ख़त्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे। काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से उन इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है, जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रहे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीज़न से मनी रॉय की पॉपुलैरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी च्वाइस बनी हुई है और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी, जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करते हो तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल HD वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो, प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को TV प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के लिए
चाहिए। ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कन कन इस तरह की मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी की च्वाइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया। पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया, क्योंकि तो बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया और इसके रीज़न से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकती हो, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कन कन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जनर की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गई थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकती हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इन्जॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर मूवी को एंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी
ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे। पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग में से कनकन इस तरह की मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गोल मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं और गोल मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था, इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए, तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों हैशटैग फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई, जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज़ आप सभी को पसंद है, इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है इंतज़ार ख़त्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे, काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से उन इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइट हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है, जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रखे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीजन से मनी रॉय की पॉपुलरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी च्वाइस बनी हुई है। और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी में कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी, जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करती हो तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल एचडी वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप
काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के लिए ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कन कन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी की च्वाइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज़ के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास ले लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि दोस्तों बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया और इसके रीज़न से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी। बाद की 2022 के आसपास की मूवी पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकते हो क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कन कन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जनर की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी 80 रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गई थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इन्जॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेज़न प्राइम पर।
मूवी को इंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अब इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं और मेकर से डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे है और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे। पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग में से कनकन इस तरह की मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गोल्ड मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं और गोल्ड मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल्ड मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों #फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज़ आप सभी को पसंद है इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है इंतज़ार ख़त्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे। काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट अपकमिंग सीक्वल सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय सनी कौशल अमित साध जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रहे थे जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी जिसकी रीज़न से मनी रॉय की पॉपुलैरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी च्वाइस बनी हुई है और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना
देखना पसंद करते हो तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल HD वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को TV प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के लिए ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कन कन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी की चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास ले लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि तो बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया और इसके रीजन से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बने हुए इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीजन से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकते हो क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जनरा की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गई थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी चॉइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतने ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था।
और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ, मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये मूवी आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर। मूवी को एंजॉय करिए, यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यूट्यूब राइट्स अब इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं और मेकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे है और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे। पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग में से कनकन इस तरह के मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो, तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गोल्ड मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं और गोल्ड मूवी भी जिस लेवल तक चले गई, जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना, एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल्ड मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे, तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था, इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए, तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों #फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए, और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई, जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ, जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज़ आप सभी को पसंद है, इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय, अक्षय कुमार, सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है, इंतज़ार ख़त्म, इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे। काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए, गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था, और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए, गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है, जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित साध जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रखे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीज़न से मनी रॉय की पॉपुलरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी च्वाइस बनी हुई है, और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी में से
से कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा गोल्ड मूवी, एक बेहतरीन मूवी जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो, मेकर से डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल HD वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो, प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कन कन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी की चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज़ के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास ले लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि दोस्तों बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना, जिसके रीज़न से उतना हीट नहीं गया और इसके रीजन से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हीट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीजन से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकती हो, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जानरा की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी 80 रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था। और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक
स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है। और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है। और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर मूवी को एंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे है और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे। पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग्स फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग में से कनकन इस तरह के मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और ट्विटर से मैं गोल्ड मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे और गोल्ड मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल्ड मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जिससे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों हैशटैग फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज़ आप सभी को पसंद है इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फ़ैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है जो कि अक्षय कुमार फ़ैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है इंतज़ार ख़त्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे, काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रखे थे जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी जिसकी रीज़न से मनी रॉय की पॉपुलैरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था।
जिसकी मूवीज है। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी च्वाइस बनी हुई है। और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है। और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी में से कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा गोल्ड मूवी, एक बेहतरीन मूवी जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल HD वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो, प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इन मूवी को लेकर। और उन सभी में से कन कन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी की चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास ले लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि दोस्तों बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया और इसके रीजन से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीजन से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जनरा की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था। और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ
लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थे, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है, और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेज़न प्राइम पर मूवी को एंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे है, और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे, पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग्स फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और ट्विटर से मैं गोल्ड मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं, और गोल्ड मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल्ड मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था, इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों #फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए, और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज़ आप सभी को पसंद है, इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है इंतजार खत्म, इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे। काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूंगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था, और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी
के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है। जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रहे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीजन से मनी रॉय की पॉपुलैरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी च्वाइस बनी हुई है। और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है। और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी में से कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा गोल्ड मूवी, एक बेहतरीन मूवी जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल HD वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो, प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कनकन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी के चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारे मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास ले लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया, क्योंकि दोस्तों बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना, जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया और इसके रीजन से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीजन से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकती हो, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जॉनर की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी 80 रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था। और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस
तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर, और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है, और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर मूवी को एंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे है, और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे, पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग्स फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो, तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और ट्विटर से मैं गोल्ड मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं, और गोल्ड मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है, तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल्ड मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे, तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था, इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए, तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों #फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए, और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई, जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज़ आप सभी को पसंद है, इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो, तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है इंतज़ार खत्म, इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे। काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय
कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी रीमेक के लिए एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी रीमेक के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है। जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रखे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीज़न से मनी रॉय की पॉपुलैरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी चॉइस बनी हुई है और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी से कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करती हो तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल एचडी वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के लिए ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इन मूवी को लेकर और उन सभी में से कनकन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी के चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि दोस्तों बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया और दोस्तों इसके रीज़न से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है 7.3 की आईएमडीबी रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकती हो क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जॉनर की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था, लंबे बक्से हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं
इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था, और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था। और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर, और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है, और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर मूवी को एंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे है, और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे। पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग में से कनकन इस तरह के मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गोल मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे, और गोल मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था, इसके साथ 2018 में सत्यमय जयथले जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों #फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए, और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज आप सभी को पसंद है, इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है।
अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है, इंतजार खत्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे। काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए, गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था, और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी रीमेक के लिए एक्साइट हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी रीमेक के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब रीमेक क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है। जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रखे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका के अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीजन से मनी रॉय की पॉपुलैरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी चॉइस बनी हुई है। और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतजार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर आप हमें कॉमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी, जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का, और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल HD वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो, प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे, प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के लिए ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कन कन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी की चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे, और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास ले लेके आते थे, और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया, क्योंकि दोस्तों बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना, जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया, और इसके रीजन से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था, और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीजन से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, और
और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकती हो, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जनरा की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूँ इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इन्जॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर मूवी को एंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे है, और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे, पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग्स फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो, तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गोल्ड मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं और गोल्ड मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल्ड मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे, तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए, तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर
तो दोस्तों हैशटैग फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए, और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई, जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ, जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज़ आप सभी को पसंद है। इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है इंतज़ार ख़त्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे। काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था, और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है, जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रखे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीजन से मनी रॉय की पॉपुलैरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी चॉइस बनी हुई है, और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी, जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का, और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल एचडी वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो, प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कनकन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी के चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे, और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर
रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास ले लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि तो बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना, जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया और इसके रीज़न से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी। बाद की 2022 के आसपास की मूवी पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है। 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकती हो, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कन कन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जनरा की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी 80 रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी चॉइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इन्जॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर मूवी को एंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे है और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे, पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग्स फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो, तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं
गोल्ड मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे और गोल्ड मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना, एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल्ड मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था, इसके साथ 2018 में सत्यमय जयते जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए। तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों हैशटैग फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई, जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज आप सभी को पसंद है, इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है, इंतज़ार खत्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे, काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है, जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रखे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीजन से मनी रॉय की पॉपुलरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी चॉइस बनी हुई है और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी, जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली पसंद करती हो, तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल एचडी वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के
होंगे। ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कन कन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी के चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारे मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि तो बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना, जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया और इसके रीज़न से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकती हो, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कन कन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जनर की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी 80 रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी च्वाइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी च्वाइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इन्जॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेजन प्राइम पर मूवी को एंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर
काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे। पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग में से कनकन इस तरह की मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गोल मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं और गोल मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था, इसके साथ 2018 में सत्यमय जयथले जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए, तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों हैशटैग फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई, जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज आप सभी को पसंद है, इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रोय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार फैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है, इंतज़ार खत्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे, काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइट हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी के इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल्ड एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है, जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रहे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीजन से मनी रॉय की पॉपुलरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी च्वाइस बनी हुई है। और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी में कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी, जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल एचडी वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो, प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप
काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी के लिए ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे इन मूवी को लेकर, और उन सभी में से कनकन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी की चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना, और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि दोस्तों बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना जिसके रीज़न से उतना हिट नहीं गया और दोस्तों इसके रीज़न से मूवी एक फ्लॉप रह गई थी बाद की 2022 के आसपास की मूवी। पर दोस्तों गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी है, 7.3 की IMDb रेटिंग पर बनी हुई इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को हिट मूवी कहलाया था और बजट था इस मूवी के जब 61 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 158 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक बेहतरीन मूवी रह गई थी। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो और इस मूवी के हिंदी मेकर्स के लिए इस मूवी को देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अक्षय कुमार सर के ही करियर की एक अच्छी मूवी की तरह इस मूवी को आप देख सकती हो क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। और दोस्तों आप सभी में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो और इन जॉनर की मूवीज़ आप सभी के लिए एक्साइटेड था, इंतज़ार था लंबे वक्त से, तो दोस्तों मैं बता दूं इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया था उसी वक्त से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गया था और स्टार्टअप पर ही इस मूवी के रिलीज़ प्रीमियर होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी 80 रिकॉर्ड ब्रेक कमाई दिया था और उसके साथ साथ मूवी के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे, उन मूवी के सॉन्ग्स की हिट चले जाना और मूवी या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलना एक अच्छी बात बनी हुई है। दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो और हिंदी मूवी मेकर्स गोल्ड मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ प्राइम वीडियो नेटवर्क स्ट्रीम कर रखा है इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर और इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने भी इस मूवी को अच्छी खासी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी गई थी। सनी कौशल ने भी इस टाइम इस मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, उनकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे। गोल्ड मूवी के प्रीमियर के साथ लोगों को अच्छी खासी मूवी देखने को मिल रखी थी और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को भी एक अच्छी मूवी मिल गई थी बात करने के लिए या फिर उन सभी को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैटर्स रह गए थी, क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए एक अच्छी चॉइस बनी हुई थी। उसके अलावा ये मूवी के जो कुछ प्रीमियर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की करियर की एक स्पिरिचुअल ड्रामा मूवी रही है और स्पोर्ट मूवी के अंदर इन्होंने इससे पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर कर रही है, और उनकी मूवी मेकिंग के दौरान ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बता चुकी है इस मूवी के, काफ़ी ज़्यादा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इस मूवी का बजट तो उतना ज़्यादा नहीं लगा जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे थे, पर दोस्तों बजट उतना ज़्यादा नहीं लगने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन करी थी, लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करा दिया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए आप ज़्यादा एक्साइट हो और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स की तरफ से इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइट हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूँ मूवी एक अच्छी मूवी है, ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए एक अच्छी चॉइस भी होने वाली है। गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये मूवी आप आसानी से इन्जॉय कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और अमेज़न प्राइम पर इस मूवी
मूवी को इंजॉय करिए। यूट्यूब पर ही इस मूवी को सर्च कर रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब राइट्स अभी इस मूवी के कुछ डिजिटल नेटवर्क के पास ही रहने के रीज़न से आसानी से यूट्यूब पर प्रीमियर होने की बात नहीं कर रहे हैं, और मेकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे है, और इस टाइम मूवी के सीक्वल तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पोर्ट ड्रामा रियल स्टोरी बेस्ड कहानी की मूवी रहने के रीज़न से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी के सीक्वल को नहीं बनाएंगे। पर दोस्तों ये मूवी एक अच्छी मूवी मेकिंग फैन के लिए एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग में से कनकन इस तरह की मूवीज़ को देखने के लिए इंतज़ार में हो और इस लेवल की मूवी के लिए इंतज़ार में हो तो दोस्तों एक अच्छी च्वाइस होने वाली है आप सभी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गोल मूवी 2018 की इस मूवी को प्रीमियर करवाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग इस मूवी के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं, और गोल मूवी भी जिस लेवल तक चले गई जिसकी प्रीमियर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा होना और मूवी हिट चले जाना एक अच्छी मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से खुश होकर अगर दोस्तों गोल मूवी मेकर्स ने इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि केसरी मूवी के साथ हुआ था, इसके साथ 2018 में सत्यमय जयथले जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी कलेक्शन कर रखी थी, उसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स ने इन मूवी के राइट्स दे दिए तो दोस्तों आसानी से ये मूवी आप एंजॉय कर सकेंगे डिजिटल नेटवर्क्स पर। तो दोस्तों हैशटैग फुल मूवी हिंदी प्रीमियर लेके कमेंट करिए, और अक्षय कुमार के फैन के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है। अपकमिंग डेज में अक्षय कुमार सर और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर रहने वाले हैं। पिछले टाइम उनकी मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिर से एक बार उनकी फ्लॉप हो गई, जिसमें साथ दे रहे थे टाइगर श्रॉफ जो ऑलरेडी फ्लॉप मूवी मेकिंग के बादशाह है, जिन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दे रखे। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ की तरह गोल मूवीज़ आप सभी को पसंद है, इस मूवी के रिकमेंड प्रीमियर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों इस टाइम ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है मोनी रॉय अक्षय कुमार सनी कौशल के लिए कास्ट बनी हुई मूवी के साथ साथ प्राइम वीडियो मेट्रोक्स और प्रीमियर के साथ ये मूवी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मूवी मेकिंग फ़ैन के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार फ़ैन जो एक बेहतरीन और लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे उन सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। अक्षय कुमार सर के साल 2018 की स्पोर्ट ड्रामा मूवी गोल्ड हिंदी प्रीमियर पर देखना पसंद करते हो, इस मूवी के रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो दोस्तों फाइनली अब हो चुका है इंतज़ार ख़त्म। इस मूवी को अब आप एंजॉय कर सकेंगे, काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी मेकिंग के लिए और इस मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसकी तरह इस टाइम अजय देवगन सर स्पोर्ट ड्रामा मूवी के मैदान नाम की मूवी से इंस्पायर होकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और इस टाइम मैं रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकिंग इंडस्ट्री और काफ़ी सारे मूवी फैन के लिए गोल्ड मूवी अक्षय कुमार सर की मूवी एक हिट मूवी तरह जा चुका था, और इस मूवी के सीक्वल के लिए और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी मेकिंग स्टोरी और काफ़ी सारे लोग जो गोल्ड मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये मूवी आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियर क्या होगा, मूवी की जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट, अपकमिंग सीक्वल, सारी बात आप सभी के इस वीडियो के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हम रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए गोल एक बेहतरीन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है, जो लोगों को ड्रामा मूवी पसंद है आप सभी के लिए एक अच्छी मूवी की तरह होने वाला है। अक्षय कुमार के साथ मोनी रॉय, सनी कौशल, अमित शाह जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग सपोर्ट कर रखे थे, जिसके साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अहम भूमिका अंदर काम किया है। मनी रॉय ने पिछली बार गोल्ड मूवी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी थी, जिसकी रीजन से मनी रॉय की पॉपुलरिटी इस मूवी से ही काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था, जिसकी मूवी से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट चले जाना और इन मूवीज़ के मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को काफ़ी सारे नए मूवी देखने को मिलना एक अच्छी च्वाइस बनी हुई है, और रिकमेंड करूँगा मैं मूवी मेकर्स और फैन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के लिए इस टाइम एक अच्छी मूवी भी होने वाला है, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी सारे बेहतरीन मूवी के प्रीमियर के लिए एक्साइट होना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करना एक अच्छी बात भी बन चुकी है। तो दोस्तों आप सभी से कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को पता न चले कि आसानी से इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर आप सभी को देखने को मिल जाए। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा गोल्ड मूवी एक बेहतरीन मूवी, जिसकी प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क पर हो चुका है, जिसके किरदार प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रखे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को अगर देखना पसंद करते हो, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से इस मूवी को ऑफिशियली देखना
पसंद करते हो तो दोस्तों प्राइम वीडियो नेटवर्क एक ऑफिशियली ओनर है इस मूवी का और इस मूवी का राइट्स उन्होंने ही परचेज करके रखा है। ये मूवी आप सभी को फुल HD वीडियो प्रीमियर पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस मूवी को आप डिजिटली देखना पसंद करते हो प्राइम वीडियो नेटवर्क के अलावा आप काफ़ी सारी नेटवर्क्स के पास आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने डिजिटली प्रीमियर के साथ इन मूवी को टीवी प्रीमियर और यूट्यूब पर भी कुछ टाइम पहले रिलीज़ करने की बात करी हुई थी, पर दोस्तों कुछ मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, बाद में इस मूवी को रिमूव कर दिया गया था। रिकमेंड करना चाहूँगा मूवी मेकर्स और पार्टनर्स के लिए, अगर दोस्तों आप सभी में से कंसर्न ड्रामा मूवी पसंद करते हो, जी हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ ड्रामा स्पोर्ट मूवी आप सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी होने वाली है। सबसे पहले आप सभी ये मूवी एक बेहतरीन मूवी मेकिंग की तरह बन चुका है और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे इन मूवी को लेकर और उन सभी में से कन कन इस तरह के मूवी मेकिंग के लिए एक्साइटेड हो, उन सभी के लिए ये एक अच्छी मूवी की चॉइस होने वाला है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर इस टाइम जो कि 2018 के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी मेकिंग को कर रखे थे और हिट मूवी उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को प्रोवाइड कर चुके थे। बाद में जब उनकी काफ़ी सारी मूवी एक ही साल के अंदर बनने लगे और उन मूवीज़ बार बार थिएटर रिलीज के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और एक ही एक्टर्स की मूवी बार बार देखने को मिलना और कम वक्त पर उन्होंने मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करके मूवी को उन्होंने मेकर्स के पास लेके आते थे और पैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया, पर दोस्तों जब उनकी जो इमेज रही थी वो डाउन हो गया क्योंकि दोस्तों बार बार हद से ज़्यादा मूवी उन्होंने करना